अस्सलाम वालेकुम। अज असा नाइन्थ क्लास जी बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर वन स्टार्ट था कहीं एंड चैप्टर नंबर वन जो नालो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इन चैप्टर जे इंट्रोडक्शन में पहरियों जिक्र थियल है बायोलॉजी जो। बायोलॉजी साइंस जी हिकड़ी अहम शाखा है जैमें असा जानदार शयन के बारे में स्टडी कंदा आयूं। ऐं बायोलॉजी जेको वर्ड आहे उहो ॿिनि ग्रीक वर्ड्स मां वरितो वियो आहे। जेकॾहिं असां बायोलॉजी जे वर्ड खे टोड़ींदासीं त हिन जा ॿ पार्ट हूंदा आहिनि, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स स्टडी। बायोस ऐं लॉगोस ही ॿई वर्ड ग्रीक वर्ड मां वरिता विया आहिनि, यानी यूनानी ॿोली मां वरिता विया आहिनि। जॾहिं इन बायोस ऐं लॉगोस जो कॉम्बिनेशन कंदासीं त बायोलॉजी ठहंदो। हाणे बायोलॉजी जे वर्ड खे जॾहिं असां ब्रेक कयोसीं त असांखे ॿ मानाऊं मिलियूं, लाइफ ऐं स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ। त बायोलॉजी साइंस जी हिकु मेन ब्रांच आहे, अहम शाख आहे, जंहिंमें असां लाइफ जी स्टडी कंदा आहियूं ऐं लिविंग थिंग्स जी स्टडी कंदा आहियूं। त जेके बि हिन ज़मीन ते जानदार शयूं मौजूदु आहिनि, अगरि उन्हनि जानदार शयुनि में लाइफ मौजूदु हूंदी त उहे जानदार वारी कैटेगरी में ईंदा। अगरि जेकॾहिं कंहिं बि शयुनि में लाइफ मौजूदु न हूंदी त उहे पाण खे जानदार न सॾाईंदा। त लाइफ हिकिड़ो अहिड़ो ख़ासियतुनि जो मजमू आहे जेको कंहिं बि शइ में मौजूदु हूंदो त उहा शइ जानदार सॾाईंदी। जॾहिं त अगरि जेकॾहिं इहो सेट ऑफ कैरेक्टर कंहिं बि जानदार में या सॉरी कंहिं बि अगरि शइ में मौजूदु न हूंदो सेट ऑफ कैरेक्टर त उहा शइ कॾहिं बि पाण खे जानदार न सॾाईंदी। लाइफ आहे छा? अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ख़ासियतुनि जो हिकिड़ो मजमू आहे विच सेपरेट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफ ख़ासियतुनि जो हिकिड़ो मजमू आहे जेको जानदार शयुनि खे गैर जानदार शयुनि खां अलॻि कंदो आहे। त हिन ज़मीन ते जेके बि जानदार आहिनि, चाहे बैक्टेरिया हुजे, चाहे एनिमल्स हुजनि, ह्यूमन्स हुजनि, प्लांट, अल्जी, इहे जेके बि जानदार आहिनि, इन सभिनि जानदारनि जे अंदरि हिकिड़ो सेट ऑफ कैरेक्टर आहे। एंड दैट सेट ऑफ कैरेक्टर इज़ एक्चुअली लाइफ। अगरि लाइफ हूंदी त उहे शयूं पाण खे जानदार सॾाईंदियूं, अगरि लाइफ न हूंदी त उहे शयूं पाण खे नॉन लिविंग सॾाईंदियूं। त नॉन लिविंग थिंग्स में ऐं लिविंग थिंग्स में फ़र्क़ु सिर्फ़ु कंहिंजो आहे? लाइफ जो आहे। त लाइफ सेट ऑफ कैरेक्टर, हाणे इन लाइफ में सेट ऑफ कैरेक्टर्स कहिड़ा था अचनि या जानदार सॾाइण जे लाइ कहिड़ियूं कहिड़ियूं ख़ासियतूं हुजणु खपनि? त पहिरीं जेका ख़ासियत आहे जानदार सॾाइण जे लाइ उहा आहे रेस्पायरेशन, यानी कहिड़े बि क़िस्म जो अगरि जानदार हूंदो त उन जानदार खे ज़िंदा रहण जे लाइ रेस्पायरेशन करणी पवंदी। अगरि जेकॾहिं जानदार रेस्पायरेशन न कंदो त उहो जानदार कॾहिं बि पंहिंजे लाइ एनर्जी न ठाहे सघंदो, छो जो रेस्पायरेशन हिकिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें जानदार पंहिंजे जिस्म जे अंदरि ग्लूकोज़ खे टोड़े ऐं उन मां एनर्जी तयारु कंदो आहे। त पहिरियों जेको सेट ऑफ कैरेक्टर आहे, यानी लाइफ जो पहिरियों कैरेक्टर आहे या जानदार जो पहिरियों कैरेक्टर आहे, उहो आहे रेस्पायरेशन, जेको बेसिकली हर क़िस्म जे जानदार में मौजूदु हूंदो आहे। सेकेंड कैरेक्टर आहे त काई बि शइ अगरि पाण खे जानदार थी सॾाए त उन शइ जे अंदरि डेवलपमेंट बि थींदी हुजे ऐं ग्रोथ बि थींदी हुजे। पहिरियों जेको कैरेक्टर आहे रेस्पायरेशन हुजणु खपे ऐं ॿियो कैरेक्टर आहे त उन जानदार में डेवलपमेंट ऐं ग्रोथ हुजे। यानी पहिरियों कैरेक्टर जानदार साह खणी ऐं उन साह खणण जे करे उहो जानदार पंहिंजो खाधो यानी एनर्जी ठाहींदो आहे खाधे मां। ऐं सेकेंड कैरेक्टर आहे डेवलपमेंट ग्रोथ, जानदार पंहिंजी वाध वेच कंदो आहे। ऐं थर्ड कैरेक्टर आहे एबिलिटी टू गेट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट। जेके बि जानदार शयूं आहिनि उन्हनि जो जेको थर्ड कैरेक्टर आहे त जानदार शयूं हमेशह खाधो हासिलु कंदियूं आहिनि ऐं खाधे खे गेन करण खां पोइ उन खाधे मां एनर्जी हासिलु कंदियूं आहिनि या उनखे यूटिलाइज़ कंदियूं आहिनि। एबिलिटी टू गेट एनर्जी, या हिते तव्हां लिखी सघो था एबिलिटी टू गेट फूड एंड यूटिलाइज़ इट। जानदार शइ खाधो हासिलु कंदो आहे ऐं खाधो हासिलु करण खां पोइ जानदार शइ उन खाधे खे यूटिलाइज़ कंदी आहे। चोथों कैरेक्टर आहे सेट ऑफ कैरेक्टर्स मां यानी लाइफ मां होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस चइबो आहे बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल कंडीशंस। त जानदार जी बॉडी जे अंदरि सेल्स जे अंदरि जेके बि केमिकल कंपोजिशन आहे या जेके बि ज़िंदा रहण जे लाइ या सर्वाइव करण जे लाइ जेके कंडीशंस हूंदियूं आहिनि उन कंडीशंस जो नॉर्मल हुजणु लाज़मी आहे।
मिसाल जैसे जानदार की बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस न हों तो जानदार की बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कदें भी बैलेंस न रही। अगर जैसे जानदार की बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस न हों तो जानदार कदें भी पानी बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस न कर सको। तो होम्योस्टेसिस चाहबो ही इन प्रॉपर्टी के जानदार जैसे पानी इंटरनल कंडीशंस के बैलेंस कर रही इन सिचुएशन के चाहबो है होम्योस्टेसिस। लास्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चाहबो आ अड़ो कैरेक्टर जैसे जरिए जानदार पान जड़ियों कॉपीज पैदा कन उनके रिप्रोडक्शन चाहबो आ। तो रिप्रोडक्शन एतरो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ना है सर्वाइवल के लिए। अगर कोई भी एमसीक्यूज अचे तो लाइफ में कड़ा कैरेक्टर्स अचन था या जानदार के जिंदा रहने के लिए कड़े कड़े कैरेक्टर्स की जरूरत होंगी है तो रेस्पिरेशन अहम कैरेक्टर आ। डेवलपमेंट इन ग्रोथ भी अहम कैरेक्टर आ। एबिलिटी टू गेट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट होम्योस्टेसिस। तो पहुँ जो चार पॉइंट आज उ जानदार के लिए तमाम घो जरूरी है। अगर इन चार कैरेक्टर्स में कोई भी एकड़ो कैरेक्टर मौजूद न हों तो जानदार सर्वाइव न कर सको। पर जैसे अस फिफ्थ पॉइंट के ऊँ जो रिप्रोडक्शन आई तो जानदार रिप्रोडक्शन के जरिए पानी जनरेशन के बधाई। अगर जैसे रिप्रोडक्शन न थे तो जानदार की लाइफ से कोई भी असर न पव। जानदार पा सर्वाइव करे वो बाकी उनकी जो जनरेशन है वह अगत वधी न सी। इन फाइव कैरेक्टर्स में जो रिप्रोडक्शन वो कैरेक्टर है वो जानदार के लिए नेसेसरी ना है जिंदा रहने के लिए पर स्पीशीज के बधाने के लिए जनरेशन के बधाने के लिए तमाम घो जरूरी है। हाँ जो बायोलॉजी है उन बायोलॉजी के मेन टिन डिवीजन्स में डिवाइड किया वो हाँ बायोलॉजी आए छा बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की जैमें अस जानदार शयन के स्टडी कंदा आयूं। हाँ इन जमीन ते इन ग्लोब ते मुख्तलिफ किस्म जो लिविंग थिंग्स हैं जैमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं। तो बायोलॉजी के फर्दर उन जानदार के हिसाब से टिन मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया वो है। जी इतने एक ट्री के फॉर्म में बायोलॉजी जो डिवीजन्स लिखी हैं तो बायोलॉजी है उन बायोलॉजी ट्री जो टे मेन डिवीजन्स हैं। पहली जो डिवीजन है उनके सड़ू था जोलॉजी, बी डिवीजन है बॉटनी, टी डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी के टोटल टिन मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया वो है। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री मेन डिवीजन्स या थ्री मेन ब्रांचिस। पहली ब्रांच कड़ी है जोलॉजी। हाँ इन ब्रांचिस के याद करण की एक ट्रिक है तो इन ब्रांचिस की हमेशा वर्ड की ओरिजिन में जैसे असं वीसी तो उन ओरिजिन में असि उनकी माना की खबर पवी माना में अस आसानी से उन ब्रांच की डेफिनेशन तैयार कर सकूँ था। जी इतने जोलॉजी वर्ड है। जोलॉजी भी बायोलॉजी वांगुर ग्रीक ओरिजिन है। जू मीन्स एनिमल एंड लास्ट वो जो लॉजी है यो वरतल है जी अस बायोलॉजी में पैर पढ़ी आयासी लॉगॉस मीन्स स्टडी। सागे तरीके से जू भी ग्रीक वर्ड है जिनकी माना है एनिमल्स ए लॉजी जो लास्ट में जो मकसद है लॉगॉस मीन्स स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। तो तुम्हारी डेफिनेशन ठा सको था तो जोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जैमें असा एनिमल्स की स्टडी कह छो जो जमीन ते एनिमल्स भी एक जानदार जो ग्रुप आ प्लांट्स भी जानदार जो ग्रुप आ माइक्रो ऑर्गेनिजम भी जानदार जो ग्रुप आ। तो जैसे बायोलॉजी में असा सिर्फ एनिमल्स की स्टडी ते फोकस कंदासी तो अड़ी बायोलॉजी की ब्रांच के चाहबो है जोलॉजी। ए सेकेंड जो डिवीजन है बायोलॉजी की वह है बॉटनी। बॉटनी भी ग्रीक वर्ड है जो बॉटेन में वरतो वो बॉटेन मीन्स प्लांट्स। तो अड़ी ब्रांच बायोलॉजी की जैमें असा प्लांट्स के स्टडी क्यों उनके चाहबो है बॉटनी। तो बॉटनी सेकेंड डिवीजन है बायोलॉजी की जैमें प्लांट्स अची था वन। लास्ट वन जो मेन डिवीजन है बायोलॉजी की वह है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी ग्रीक ओरिजिन है ग्रीक बोली में वरतो वो है। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगॉस मीन्स स्टडी। जैसे इसो माइक्रोबायोलॉजी के वर्ड के टोड़ियोसी तो असा माना कड़ी मिली स्टडी स्मॉल लाइफ। तो इनकी अस डेफिनेशन ठा सकूँ था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। ए स्मॉल लाइफ अस कें सड़ी आयो स्मॉल लाइफ जो मकसद है इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अड़ी ब्रांच बायोलॉजी की जैमें अस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ू यानी बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया या अड़ा जानदार जी अस आईज से न ऐसी सूँ उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो टोटल जो जानदार हैं वे टिन किस्म जान बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अस जरासीम से प्लांट्स
एनिमल्स ये टोटल जे टे कैटेगरीज जानदार जो मिलंद तो ये बायोलॉजी ठाद तो बायोलॉजी में अस जानदार की स्टडी कर इन बायोलॉजी के अलावा साइंस जो बू भी ब्रांचेस हैं जी केमिस्ट्री है फिजिक्स है एस्ट्रोनॉमी है तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री है केमिस्ट्री में अस केमिकल्स की स्टडी कर फिजिक्स में वरी अस मैटर की स्टडी कर सागे तरीके से एस्ट्रोनॉमी में वरी अस सोलर सिस्टम या बू जे आसमान में शूं मौजूद होंदियों उन स्टडी कर साइंस जी मेन ब्रांचेस में एक ब्रांच बायोलॉजी है जैमें अस सिर्फ जानदार शेन की स्टडी कर जमीन से कड़े कड़े किस्म जहाँ जानदार हैं उ खाधो कें हासिल कन हैबिटाट कड़ा उनको इकोसिस्टम वगैरह कड़ो है डिवियंस का अस अचूँ था बायोलॉजी जो ब्रांचेस कड़ी हैं बायोलॉजी जो तकरीबन जो ब्रांचेस हैं वे तो हंड्रेड्स में आन पर नाइन्थ के बुक में जो ब्रांचेस हैं उन्होंने कुछ ब्रांचेस अस अजवारे लेक्चर में कवर कंदासी बाकी जी ब्रांचेस रहंदी वे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कंदासी त बायोलॉजी की ब्रांचेस में पहली ब्रांच है मार्फोलॉजी जी मां पहले तवा के बुधायो त जेकने अस कें भी वर्ड की ओरिजिन में वेंदासी त असांखे उन वर्ड जी माना खबर पवंदी ऐं माना मां ई असां डेफिनेशन तयार करे सघूं था त मार्फोलॉजी बायोलॉजी जी ब्रांच आहे मार्फ ग्रीक वर्ड आहे मार्फ मीन्स फॉर्म या शेप एंड लॉजी लॉगोस मां वरितो वियो आहे विच मीन्स स्टडी त मार्फोलॉजी ब्रांच कंहिंजी आहे बायोलॉजी जी ब्रांच आहे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स आर स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स अड़ी ब्रांच बायोलॉजी की जैमें अस जानदार शेन की पार्ट्स की आउटर स्टडी क्यों बाहरी स्टडी क्यों या जानदार की बाहरी खासियत के स्टडी क्यों अड़ी ब्रांच के अस मार्फोलॉजी सदींदा मिसाल तौर जी बर्ड्स हैं फिशिज हैं वे एक बे का डिफरेंट हैं छे डिफरेंट हैं तो बर्ड्स की जो बॉडी है वह फिशिज की बॉडी का डिफरेंट है यानि एक्सटर्नल उन फॉर्म डिफरेंट है तो बर्ड्स में फीदर्स मौजूद होंदा ए बीक मौजूद होंगी है विंग्स मौजूद होंदा जैसे तो फिशिज में स्केल्स मौजूद होंदा उनकी बॉडी स्पिंडल शेप होंगी तो इनकी मार्फोलॉजी एक बे का डिफरेंट है मीन्स आउटर जो स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट है तो मार्फोलॉजी अड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की जैमें अस जानदार की बॉडी की आउटर स्टडी कर या जानदार की बॉडी जहाँ जो ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर स्टडी कर फॉर एग्जाम्पल इतने आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जैसे अस दिल की आउटर स्टडी कंदे तो दिल जो आउटर शेप कड़ो है इनके मार्फोलॉजी चाहबो है या जैसे अस किडनीज की आउटर स्टडी था क्यों कि किडनी है इन किडनी की जैसे आउटर स्टडी कंदी तो इन आउटर स्टडी के अस मार्फोलॉजी सरींदा आइज की आउटर स्टडी कंदी तो मार्फोलॉजी चाहबो है या लीव्स जहा पन्न जहा शेप्स पढ़ासी तो यह भी मार्फोलॉजी है तो जानदार की बॉडी जी जैसे अस आउटर स्टडी क्यों तो इन आउटर स्टडी के मार्फोलॉजी सदी वो है सेकेंड जो ब्रांच है वह है एनाटॉमी एनाटॉमी भी ग्रीक ओरिजिन है एना मीन्स अप एंड टॉम मीन्स टू कट यानी ही अड़ी ब्रांच है बायोलॉजी की जैमें अस जानदार की बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के स्टडी कर यानी जेके भी जानदार की बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स हैं उनके दिसण के लिए सब का पहले बॉडी के कट करो पवो छो जो जैसे बॉडी के कट न कंदी तो इंटरनल पार्ट्स स्टडी न कर सकंदी तो अड़ी ब्रांच बायोलॉजी की जैमें अस जानदार की बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के स्टडी कर कट क्यों ए जैसे कट कंदी तो उन पार्ट की इंटरनल स्टडी कभी एग्जाम्पल है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आय मार्फोलॉजी में अस पढ़ोसी तो आय की आउटर स्ट्रक्चर किया होंगी वरी एनाटॉमी में जैसे अस पढ़ासी तो उन आय के कट करे उन आय की इंटरनल स्टडी कंदी जैसे अस कें भी जानदार की इंटरनल स्टडी कंदी या उनके ऑर्गन की इंटरनल स्टडी कंदी तो इनके एनाटॉमी सदी वो है या इतने आए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ब्रेन की जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कंदी या लीफ की पन की अंदरी स्टडी कंदी तो लीफ के अंदर कड़े कड़े किस्म जहाँ टिशूज हैं तो अड़ी ब्रांच बायोलॉजी की जैमें अस जानदार जो पार्ट की इंटरनल स्टडी क्यों उनके एनाटॉमी चाहबो थर्ड जो ब्रांच है वह है फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी भी यूनानी बोली में वरतो वो है फाइसिस
या किन बुकन में वरी फ्यूसिस भी लिखल हों इन फाइसिस जी माना है नेचर या फंक्शन यानी अड़ी ब्रांच बायोलॉजी की जैमें अस कें भी जानदार के उज्वे की या कें भी जानदार के पार्ट के कम के बारे में पढ़ूँ इन चबो है फिजियोलॉजी तो तवे कॉन्सेप्ट से ही ब्रांचिस याद कर सको तो मार्फोलॉजी में अस जानदार के कें भी पार्ट की आउटर स्टडी कह एनाटॉमी में उन पार्ट की अंदरी स्टडी कह फिजियोलॉजी में उन पार्ट की फंक्शन की स्टडी कह तो वो पार्ट बॉडी में फंक्शन कड़ो तो करे मिसाल जी फिजियोलॉजी ऑफ आई इज़ टू सी अख जो कम कड़ो है ऐसण तो अख जो जो कम है दैट फंक्शन इज एक्चुअली फिजियोलॉजी या हर्ट है हर्ट जो कम कड़ो होंगे टू पंप ब्लड तो दिल कड़ो कम कहती है रत के पंप कहती है तो इन दिल के कम के चबो है फिजियोलॉजी चबो है तो फिजियोलॉजी में अस जानदार के जे फंक्शन्स होंगे पार्ट्स जहाँ उन्होंने स्टडी कह हे टे जे मेन ब्रांचिस सॉरी जे ब्रांचिस टे ये तवे ट्रिक से याद करणी यानी कें भी पार्ट की आउटर स्टडी कें भी पार्ट की इंटरनल स्टडी ए कें भी पार्ट की उन पार्ट की फंक्शन की स्टडी तो इन अलावा भी बायोलॉजी जो खोड़ सारी ब्रांचिस इतने जो मूँ ट्री ठाया है बायोलॉजी जो उन बायोलॉजी के ट्री में मेन ब्रांचिस द ज़ूलॉजी बॉटनी ए माइक्रोबायोलॉजी पर इन अलावा टे ब्रांचिस ही पढ़ियस इतने भी तुम ऐसो तो हि मार्फोलॉजी आ ब्रांच है बायोलॉजी की फिजियोलॉजी है हिस्टोलॉजी है जेनेटिक्स अड़े तरीके से हंड्रेड्स का मथे बायोलॉजी जो ब्रांचिस जैमें अस जानदार के मुख्तलिफ़ यानी कैरेक्टर्स की स्टडी कह उम्मीद है ये लेक्चर तुम्हें सुठो लगो होंद इंशाल्लाह इन चैप्टर में बाकी जो ब्रांचिस रहन थी वे बे लेक्चर में कवर कंदासीं।